इसराइल और हमास के बीच जंग को अब 10 दिन हो गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जो फाइनल फिनिश टच होता है वो किया जा रहा है। मेरे पीछे आपको जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो देखिए क्विक रिस्पांस टीम भी, मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि वो क्विक रिस्पांस टीम भी 4 से 5 गाड़ियों की डिप्लॉय हो रही है। इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, टैंक्स और साथ ही साथ आर्टिलरी गन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से रोड्स पर आ चुके हैं इस तरह के इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स। अब तक हमने देखा था कि ये जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हैं ये जनरली अपने बेसिस पे थे, मैदान से बाहर आए थे, लेकिन अब ये रोड पर डिप्लॉय हो चुके हैं और हर एक में आपको 4 से 5 सोल्जर्स दिखाई देंगे जिनमें जिनके पास में कम्युनिकेशन सेट है और साथ ही साथ आपको जो एक LMG लाइट मशीन गन लोडेड है। देखिए एक एक कारतूस आपको दिखेगा किस तरह से ये पूरी तरह से लॉक्ड एंड लोडेड मोड में है और ये लगातार गाजा पट्टी के जो फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन हो सकता है इसराइल का वहाँ पर बढ़ रहे हैं। थोड़ा और आगे आते हैं और कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि इस तरह के जो टैंक्स और आर्टिलरी गन्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स का रास्ते पर उतरने का मतलब साफ होता है कि अब वो फाइनली जो मोस्ट फॉरवर्ड पोजिशन होता है वो सब कुछ फाइनल स्टेज पर पहुँच चुका है। न केवल इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स बल्कि एक पूरा का पूरा ये एक कॉन्वॉय है जो आपको दिखाई देगा किस तरह से हैवी मशीनरी के साथ में पूरे मूवमेंट के लिए तैयार है। न केवल जो पुरुष सोल्जर्स हैं बल्कि महिला सोल्जर्स भी आपको दिखाई देंगी या इस पूरे कॉन्वॉय में, और ये साफ साफ एक बार फिर दर्शा रहा है कि किस तरह से इसराइल अपनी तैयारी और तैनाती पूरी कर चुका है। लेकिन जो एक पॉलिटिकल ऑर्डर की बात होती है उसमें काफ़ी कुछ पेचीदगियाँ हैं। जाहिर सी बात है कि वॉर इतनी आसानी से निर्णय नहीं लिया जाता, वॉर शुरू करना आसान होता है लेकिन किसी भी जंग को ख़त्म करना कि वो कब लास्ट होगा वो मुश्किल होता है, और इसी वजह से जो शुरुआती या दिन है उसको किस तरह से डिसीजन लिया जाए। ये देखिए ये मूव करना शुरू हो चुके हैं इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स एक के बाद एक लगातार इसराइल के रास्तों पर दौड़ते हुए। ये साफ दर्शा रहे हैं कि अब ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पर पहुंच रहे हैं और ये कॉन्वॉय जितना बड़ा होता जा रहा है ये हमास पर उतने बड़े आतंकी हमले के जवाब की कार्रवाई के बारे में आप बता रहा है कि कितना बड़ा होता जा रहा है ये कॉन्वॉय, और साथ ही साथ आप देखिए जो डिप्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा फॉरवर्ड लोकेशन पर होता जा रहा है। जो इस तरह से मेरे दाईं तरफ कैमरन मान दिखाएंगे जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस डिप्लॉयड हैं वो तो डिप्लॉयड है ही पिछले 10 दिनों से, लेकिन उसके अलावा जो ये क्विक रिस्पांस टीम्स और जो गन्स और साथ ही साथ टैंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ये साफ साफ दर्शा रहा है कि जो एक फाइनल फिनिश टच वाली जो बात होती है तैयारी को वो की जा रही है। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से इसराइल की ऑर्डर नहीं आ जाता इसराइली डिफेंस फोर्सेस इसी तरह से उस तैयारी को एक फाइनल फिनिश देती रहेंगी, और जब पॉलिटिकल ऑर्डर मिल जाएगा उन्हें कुछ घंटे ही लगेंगे यहां से गाजा बॉर्डर से गाजा पट्टी में एंटर करने के लिए। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, इसराइल गाजा बॉर्डर से ABP News के लिए।